मेरे को थोड़ा सा अंदर जो एक होता है ना, मतलब जोश लाने वाला इस सुनने के टाइम पे, मेरे को दो चीज़ों का, एक दो एक जो मोहम्मद अली जिन्ना की जो पीछे आवाज़ थी वो आ रही थी ना पीछे, तो मेरे को बैकग्राउंड वो चल रहा था जब हमारी इंडिया मूवीज बनती थी वैसे तो वो पक। आपके जो सिलेबस में इंडिया के बारे में कितना कुछ बताया जाता था या अच्छा बताया यार जाता? हमें बस यही बोलते हैं, हमने सारी जंगें जीती हैं जो सच तुमने सारी जीत ली, तुम्हारी किताबों बता सारी जंग जीत ली। बिल्कुल, हमने जीती हैं सारी जंगें। नो कमेंट। अब इंडिया वालों ने नया एक निकाला, आप पाकिस्तानी पक्का कॉपी करोगे उसको, क्या डींड पाक डमडम। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। तो आज यार रिएक्शन करते हैं पाकिस्तानी एक जो एंथम है, आई थिंक प्रे है ना ये, तो ये जो स्कूल में गाते थे पाकिस्तानी, हम तो डिफरेंट गाते हैं इंडिया में, पर जो इनकी प्रे है लप्पे आती है दुआ एंथम है, और ये आर्टिस्ट सीजन 1 है, प्रेजेंटेड बाय AAA। तो जो आपने तो शायद सुनी होगी, और जो थंबनेल में जो आर्टिस्ट देख रहे हैं उसमें मेरा सबसे फेवरेट, और फेवरेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फैन हम के आपदा प्रवीण जी, और हैं जहन जेब, और मैं सायर अली बग्गा, इन्हीं को मैं जानता हूँ बाकी को नहीं जानता। चलो यार ये देखते हैं, और ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ कि 77th ईयर के लिए बनाया, रिमार्केबल। ठीक, चलो यार, और आप शायद मुझे नहीं मालूम कि वो एग्जैक्टली सेम होती है या आप डिफरेंट होती थी, चलो देखते हैं, जैसे जैसे सुनते चलेंगे आप बात बाद में बताएंगा कि क्या एग्जैक्टली वो सेम थी या डिफरेंट थी, क्योंकि मुझे तो मैं तो ब्लैंक हूँ इस टाइम इसके बारे में। और देखते हैं यार पाकिस्तान की, मेरे हिसाब से पाकिस्तान कंट्री जो है बड़ी सेक्रीफाइस से बनाई, बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया, पहले ब्रिटिश टाइम से पहले भी इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे, तो उन्होंने दोनों मिल के लोगों ने सेक्रीफाइस किया, बाद में पाकिस्तान बना, जो भी रीज़न थे उसके बाद मेरे हिसाब से पाकिस्तान को अच्छे पॉलिटिशियन नहीं मिले बाद में जाके, और उसके बाद पाकिस्तान के थोड़े से हालात, मैं जस्ट पॉलिटिकल वे से और इकोनॉमी वे से बात कर रहा हूँ, जो लोग वहाँ रहते हैं वो तो सारे अच्छे हैं, पर चलो एनीवे पहले ये देखते हैं, फिर इनकी राय लेते हैं कि ये कैसे स्कूल में होता था और ये नहीं होता था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, द आर्टिस्ट सीजन 1। ओके, होल्ड होल्ड, एक मिनट, रुक रुक, देयर इज नथिंग वर्थ दिस वर्ल्ड दे कैन नॉट अचीव। मोहम्मद अली जिन्ना, अजनबी सी आवाज हो पीछे आवाज आई ना जिना, मेरे रास्ते की तलाश हो, कोई अजनबी सी आवाज हो, जिंदगी शम्मा
पंपड हो गए किसी जो आवाज आ रही है एहसान को मामा तुझे जिन्ना की आवाज है रख तू सलामत हमेशा पाकिस्तान को लपयाती है दुआ बनके तमन्ना मेरी लपयाती है दुआ बनके तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मकी सूरत हो खुदाया मेरी मेरे हिसाब से ना मेरे को दो दो जो पॉइंट लगे इस पूरे में एक जो थी जो मोहम्मद अली जिन्ना जो जो उनके पीछे की आवाज़ थी ना जैसे वो अनाउंसमेंट में क्योंकि हम सुनते थे इंडिया में मैं जब वो फिल्में बनाते थे कि जब पार्टीशन के टाइम पे ऐसी आवाज़ जाती थी जो मोहम्मद अली जिन्ना की साहब की थी मेरे को लगता था कि वो लग गया ऊपर से जो लास्ट वाला जो पार्ट था ना जिसमें सारे सिंगरों ने क्या अपने वोकलिस्ट जो आवाज़ सबसे प्यारी मेरे को लगी आपदा प्रवीण जी की और मेरे को मंत्रा नहीं समझ आया जो मंत्र उन्होंने बोला था जो भाई दाढ़ी वाले थे उनका नाम नहीं मेरे को पता माय अपॉलॉजी अगर मैंने दाढ़ी वाला से करके उनको एड्रेस किया कोई डिसरिस्पेक्ट का मेरा मीनिंग नहीं है पर जस्ट मेरे को एक अभी दिमाग में वो ही आया उनको प्रेजेंट करने के लिए अच्छा मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन लगे तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि आपकी जो स्कूलों में होती थी लाहौर में पढ़े ना आप तो आपके स्कूलों में ये यही एग्जैक्ट सेम होती थी नहीं एग्जैक्टली सेम नहीं होती थी कुछ लाइनें हैं वो सेम होती थी बाकी इन लोगों ने ऐड किया न्यू वर्जन बनाया हमारा शायद ओल्ड था थी ऐसे ही तो आपका क्या था मतलब इसमें जो अगर आप कंपैरिजन करो इससे कि वो मतलब ये डिफरेंट है डिफरेंट तो मुझे नहीं मालूम कितनी डिफरेंट नहीं है तो दोनों ही अच्छी है भी बहुत अच्छी है सेम है मीनिंग तो सेम होगा ना हां मीनिंग सेम है चीज सेम है उसमें भी पुरानी वाली में भी ये कहा गया है कि फॉर एग्जांपल उसमें कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए कि मैं ऐसा चिराग बनूं जो जिससे रोशनी हो दुनिया में और हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना दर्दमंदों से गरीबों से मोहब्बत करना इस टाइप के मतलब अपने ख्वाहिशात को बयान किया कि अल्लाह मेरे को ऐसा बना दे कि मेरे जैसे यतीम हो गरीबों की मैं हिफाजत करूं ऐसा था तो करते आप लोग बिल्कुल करते हैं इंशाल्लाह आगे भी करेंगे चलो आई विश एंड आई प्रे आमीन तो यार मेरे को दो पॉइंट मैं इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता कि मैं तो सिर्फ एक म्यूज़िक की बात कर सकता हूँ म्यूज़िक में एक ये एक जब बहुत सारे लोगों ने सैक्रिफाइस किया एक पाकिस्तान बनाया जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें दी उस टाइम वो पार्टीशन से पहले एक ही थे हम सब इंडियन ही थे ना पर उसके बाद जैसे हम 90s में थे ना अब हम 90s के बॉर्न हैं तो हमारे में होता था कि जो पाकिस्तान के जो गाने होते थे और जो उनके ड्रामे आते थे वो हमें जलंधर चैनल हिमाचल में आता था जलंधर चैनल पे हम देखते थे कि पाकिस्तान वाले गाने पंजाबी गाने हम सुनते थे उधर के चैनलों से लाहौर से वो चलते थे तो धीरे धीरे करके 90s के बाद आई थिंक एक थोड़ा ड्रॉप आना स्टार्ट हुआ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में और म्यूजिक इंडस्ट्री में यार म्यूजिक में चीज़ मैं पाकिस्तान से बढ़कर किसी म्यूजिशियन को नहीं मानता हूँ इन टर्म्स ऑफ टैलेंट टैलेंट बॉलर भी चलो ठीक है अभी जीत गए ना तुम वर्ल्ड और श्रीलंका ने कहा पहला तो मैं घर बैठ गई वो तो फॉर्म में नहीं थे पता नहीं कब आते तुम लोग फॉर्म में पता नहीं चलो और बाकी क्रिकेट की बात की क्रिकेट की बात मत करो क्योंकि अब तुम्हारा हम टॉपिक पे आए ना प्लीज नहीं मेरे को मैं अगर मैं
ज़्यादा अगर वो बोलो कि एक आर्टिफिशियल वर्ड तो नहीं बोल सकता इसको, अगर मेरे को थोड़ा सा अंदर जो एक होता है ना मतलब जोश लाने वाला इस सुनने के टाइम पे, मेरे को दो चीज़ों का एक दो एक जो मोहम्मद अली जिन्ना की जो पीछे आवाज़ थी वो आ रही थी ना पीछे, तो मेरे को बैकग्राउंड वो चल रहा था जब हमारी इंडिया मूवीज़ बनती थी वैसे, तो वो पाकिस्तान ऐसी आवाज़ आती थी, तो पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है, तो जब न्यूज़ भी आती थी कोई एमरजेंसी लगी है। और दूसरी जो ना लास्ट में दोनों ने सब ने मिलकर गाया, और मेरे को आपदा प्रवीण जी के लिए मेरे को सलूट सलामा नमस्कार आपदा प्रवीण जी, अगर आप कभी जिंदगी में देखना कि एक एक हिमाचल का लौंडा ठाकुर। ओह ये द वन ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंस है। मैं आपदा प्रवीण जी का बॉस फैन हूँ। चलो यार ये तो हमारा मेरा सिर्फ पर्पस ये था कि एक की रिकमेंडेशन थी और इनकी रिकमेंडेशन थी स्पेशली कि हमारा एक एंथम आया है और प्रे है, तो बैठ के देखते हैं क्योंकि आपने तो इन्होंने तो देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे बहुत सारे पाकिस्तान ने सुना होगा, आपने तो गाए होंगे, पर गा के तो मैं असर पड़ता था, तुम जाके वही कर दो बिल्कुल प्रे में जाके सारा कुछ ये। अच्छा एक और बात मेरे दिमाग में आई वैसे ही और मैंने जब मैं पाकिस्तान गया मैंने लाहौर में देखा कि जैसे हमें जैसे इंडिया के हम अगर बहुत सारे इंडियन देखेंगे या देखोगे कभी ज़िंदगी में ये वाला मेरा रिएक्शन, तो हमें लगता है कि लगता था अब लगता है का प्रेजेंट मेरे को एग्जैक्टली मैं शो नहीं कर सकती, मैं इंडिया में नहीं रहता काफ़ी सालों से, तो हमें लगता था कि जो पाकिस्तान में स्कूल में बच्चे जाते हैं वो सारे ही बुरका पहन के जाते हैं लड़कियाँ, जब मैं लाहौर में देखा तो ऐसा नहीं था। पर और आपकी बुक्स में एक और बात पूछ रहा हूँ, शायद ये टॉपिक ज़्यादा ड्रैग और लंबा हो रहा, क्योंकि जब बात चलती है तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते रहते हैं फिर। और आपके जो बुक्स होती हैं या होती थी, अभी नहीं पता न्यू जो आपका सिलेबस होगा पता नहीं क्या क्या उसमें ऐड होगा नहीं होगा, आपके जो सिलेबस में इंडिया के बारे में कितना कुछ बताया जाता था या अच्छा बताया जाता? हमें बस यही बताते हैं हमने सारी जंगें जीती हैं जो सच है। तुमने सारी जीत ली, तुम्हारी किताब में बताते सारी जंगें जीत ली? बिल्कुल हमने जीती हैं सारी जंगें। No comment. Okay, अगला क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा वो बुरखे वाली बात आप लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि मूवीज में ऐसा पिक्चराइज किया जाता है, वैसा पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और मूवीज में ही ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे को खून के प्यासे हैं पाकिस्तान इंडियन, लेकिन ऐसा नहीं है। आप भी होके आए हैं, कितना प्यार किया उन्होंने आपसे। हाँ नहीं नहीं हाँ ये बात तो सही है, मेरे को लाहौर में सबसे ज्यादा मेरे को अच्छा लगा लाहौर का। और आपसे पैसे भी नहीं लिए उन्होंने? हाँ वो हाँ। वो कई मैं जैसे लिबर्टी में गया मेरे को बाल कटवाए थे साहिल के साथ, तो जैसे उनको पता लगा मैं फ्लुएंटली तो नहीं पंजाबी बोल पाता हूँ पर मैं काफ़ी अच्छी पंजाबी बोल लेता हूँ, तो मैं ना हमेशा ट्राई करता था कि ऐसे लोकल लगूँ, तो अगर मैं जितना पंजाबी गल मैं कहना मैं जैसे मैं कोई मेरे जैसे सामने बैठे हैं भाई तो मैं इनके साथ भाजी नहीं बोलता, अगर मैं भाजी हूँ तो सीधा पकड़ लेते हैं कोई भाजी, क्योंकि इंडिया में भाजी बोलते हैं अभीरे, तो पाकिस्तान बोलते पान कितना, तो मैं जाना पान कितना की हाल है, तो उन्होंने सीधा पकड़ लेना थोड़ी सी कन्वर्सेशन के बाद पकड़ लेते आप यहाँ से तो नहीं कहाँ से हो, मतलब यहाँ से नहीं हूँ, तो मैं फिर बताना पड़ता था कि इंडिया से हूँ, तो मैंने जब मैंने वो भाई बोलते कि भाई तू बहुत काला हो गया गर्मी बहुत है यहाँ पे दस्त है, तो फेशियल करते तो उन्होंने मेरे को नहीं कोई पैसे नहीं लेने कुछ नहीं लेना। वो जब हम गए थे सारे थे उसमें वो टूर करने गए थे लाहौर में वो जो डबल डेकर बस में, तो जो देखो एक छोटा सा मैं एक बताता हूँ छोटा सा इंसिडेंट एक दिल बड़े होने की बात है, एक छोटा सा आइसक्रीम वाला जो जहाँ पे गदाफी स्टेडियम है उसके बाहर आइसक्रीम बेचने गदाफी स्टेडियम, वो आइसक्रीम बेचने वाले बंदे ने जब उसको पता लगा कि हम इंडिया से हैं उसने बोला आप पैसे नहीं लेने आपसे आप खाएं, तो मेरे को इतना वो एक फील हो रहा था कि यार एक ये बंदा दिहाड़ी लगा के जितनी भी आइसक्रीम बेचेगा ये मतलब उसमें से अपना घर चलाएगा ना, उसका दिल देखो कि यार मैं ग्रीट करूं एक खुशी से उसने दे रहा था गेस्ट, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। पर मैंने उनको भाई को मैं कहा भाई उन्होंने आप जितने हैं उससे ट्रिपल मैं देने को तैयार हूं, पर आपका दिल बड़ा देख के खुशी हुई कि ये मेरे लिए यही बड़ी बड़ी बात नहीं, बहुत बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रहे मेहमान नवाजी तो है। हाँ अच्छा अच्छा और मेरे दो बैड एक्सपीरियंस भी थे वो कभी बताऊंगा जिंदगी में कभी मौका मिले, वो एक बाघा बॉर्डर का था जब मैं पाकिस्तान एक बाघा बॉर्डर बता दूं तो बाघा बॉर्डर का बताता मैं आपको, बाघा बॉर्डर का ना एक्सपीरियंस ऐसा है जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं बाघा बॉर्डर देखने के लिए गया पाकिस्तान से कैसे के थे मतलब पूरा रॉक स्टार बन गए शो में, अब तो गर्मी पाकिस्तान में मतलब इंडिया में सेम गर्मी बहुत मगी तो मैं शॉर्ट डाला जीन का शॉर्ट डाला था यहाँ तक बिलो बिलो क्या मतलब यहाँ तक ही था वो
नीचे तक था ना, तो मैं गया तो फौजियों ने मुझे रोक लिया और बुकिंग करी थी स्पेशल जो करते हैं ना बुकिंग वीआईपी वाले साहब ने की हुई थी, तो वो नंबर नंबर सारा, तो मैं रिकॉर्ड करना चाहता था पर बोलते कैमरा नीचे कर लो क्या पता चुक देने तेने फटे। तो बात ये हुई कि जो वहाँ पे चेकिंग के टाइम बोलते हैं आप शॉट डाल के नहीं जा सकते अंदर वागा जहाँ पे परेड होती है उसके जो बैठे होते ऑडियंस। तो मैं कहा चलो भाई अब शॉट तो नहीं है, मतलब आई अंडरस्टैंड कि एक थोड़ी रिस्पेक्ट में है कि मेक श्योर कि नो बड़ी शोज एनी दे प्राइवेट पार्ट्स वन सीटिंग सो होता ना कि। तो मैं कहा सर जी मेरा वैसे भी जीन का शॉट है यहाँ तक है तो उसमें तो फैमिली होती है ना सब कुछ, पर नहीं मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने बोला बैड एक्सपीरियंस ये हुआ कि उसके साथ ही मेरे जो सास में गोरा चला हुआ था उसने मेरे से भी ऊपर शॉट डाला उसको जान दिया। उसके बाद चाइनीज आए तो ग्रुप में आए वो चाइनीज, उन्होंने सबने शॉट डाले थे उनको सबको जान दिया और मेरे को बोला नहीं तू नहीं जा सकता। मैं सर बोलता नहीं बहसबाजी नहीं करनी क्योंकि आप इंडिया से हो वो बोलेंगे पर मैं जब उसके बाद जब मैं बॉर्डर पे वो गेट खुला ना तो मैं सोच रहा था ये तो रहा भाई निकल जा यही तो रहा इंडिया, मैं दौड़ लगा रही थी नहीं पर मैं सामने मैं वो एक तो कि मैं किसी कल्चर की या किसी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट नहीं थी, मैं एक उस टाइम बैठे बैठे सोच आ रही थी मेरे की इसी सिर्फ बाउंड्री का फर्क है ये इतने से गेट का फर्क था पर सामने जो इंडिया वाले बैठे थे जैसे हम इंडिया उधर वाले थे ना तो उनमें बहुत सारे मेरे को दिख रहे थे सामने कि वो शॉर्ट में घूम रहे हैं। चलो अपना रिलीजियसली जो भी या कल्चरली जो भी था मैं आई रिस्पेक्टेड एवरीथिंग बट फॉर दैट टाइम आई फेल्ट बैड बिकॉज उन गोरों और चाइनीज को उन्होंने कुछ नहीं कहा उनको जान दिया। सबको ये बहुत लग गई है हाथ धो गए ऑफ कोर्स ना क्योंकि मेरे को बुरी इसलिए लगी और ऊपर से सबसे पता कौन सी बुरी बात लगी उन्होंने कपड़ों वाले की दुकान रखी है वहाँ पे। अब जाओगे ना अगर पाकिस्तान से पाकिस्तान वाले देखेंगे तो उनको पता होगा कि वहाँ पे जब बॉर्डर के पीछे दो बैरियर आते हैं सेकंड लास्ट बैरियर आता है वहाँ पे कपड़े की दुकान है, उन्होंने स्पेशल वो पजामे रखे हुए बेचने के लिए कि जो शॉर्ट में आ जाए उनको वापस भेजना। हाँ तो इसलिए लोगों के लिए रखे हुए ना, पर उनके लिए भी तो ले सकते थे ना वो, उनको बोला जाओ 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 वो गोरे थे तो गोरे थे और चाइनीज थे तो वो मेरे को ज्यादा गुस्सा इसलिए चढ़ा कि मेरे को 800 रुपए का थोड़ा सा मतलब गंदा सा पजामा दिया 800 रुपए का और वो मेरे को फिट भी ना है वो बोले कि भाई ये सबसे खुला है। थोड़ा मैं फिजिकली मैं थोड़ा सा हेल्दी हूँ ना, मतलब पहले वर्कआउट बहुत करता था जिम करता था थाइस बड़े अभी भी बड़े, तो बोलते यही है बस। तो मेरे को पूरा मेरे को पहले पजामा देखूं फिर परेड देखूं फिर और गुस्सा है। इतनी उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट इतना ऑनर किया, हमने सारी बातें मिट्टी कर दी हैं सिर्फ इस एक बात के लिए शॉर्ट के लिए जाने नहीं दिया आपको है। मेरे को कल्ले को नहीं जाने दिया, मेरे को कोई दुख नहीं था, उनको भी ना जाने देते तब मेरे को अच्छा, तब दुख ये नहीं कि आपको मुझे नहीं जाने दिया, दुख ये है कि उनको क्यों जाने दिया। हाँ उसमें पार्शियलिटी दिखी ना मेरे को, उसमें रूल्स जो रेगुलेशन थे आपको उन्होंने पहचाना नहीं, आपके घर के बंदे लग रहे थे मतलब पाकिस्तानी ही लग रहे थे। नहीं मैं तो बता ही नहीं सकता कि मैं इंडिया से हूँ, तो फिर उम्र हो गया गोरे का इतने तुरंत वापस मापा मैं का भाई रहन थे उनके लिए वो गेस्ट थे तो मैं भी तो गया। अब मैं क्या क्या कैसे कैसे बताऊं कि मैं कैसे गेस्ट था। चलो यार ये बातें करते करते कहां पहुंच गए, तो यार चलो यार आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो एक और करेंगे कि हमारे ये कह रहे हैं कि आपको हम लोगों ने बहुत ही बेइज्जत किया है, 20 इंडियन फेमस जो हमने चुराए हैं तो उनके ऊपर 2-3 और रिएक्शन करने हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत इकट्ठे किए एक्सपोज करना चाहते हैं हमको बिल्कुल। अच्छा आप अब इंडिया वालों ने नया एक निकाला, आप पाकिस्तानी पक्का कॉपी करोगे उसको, क्या डींड पाक डमडम इंडिया की सोशल मीडिया पे चल रहा डींड पाक डमडम वो हम में से किसी ने निकाला होगा तो वहां तक बॉर्डर पर नहीं नहीं एक्चुअली ना उसमें बताता हूं वो एक छोटा सा उसमें था वो है सलीम अलवेला और बसूरी बग्गा जिसके बग्गा उन्होंने एक छोटे से क्लिप में बोला था वो डींड पाक तो आगे वो भी पाकिस्तान से निकला अब तो मैंने कुछ कहा भी नहीं क्योंकि मैं फॉलो करता हूं मेरे को तो डींड पाक डमडम पता नहीं मैं पिछले आई थिंक इंस्टाग्राम तो वैसा हो गया टिकटॉक ही बन गया तो मैं कुछ दिनों से ना हर रील के ऊपर ना डींड पाक डमडम पता नहीं यार क्या बोल रहे हैं। चलो यार स्टे ब्लेस्ड स्टे हैप्पी आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम एंड आई विल डेफिनेटली सी यू सून एंड बाय-बाय।